अगर आपके सामने कुछ इस टाइप का अगर नंबर हो, जैसे कि 2 डिजिट का हो या फिर 3 डिजिट का हो, अगर उसका मल्टीप्लाई करना है बहुत ही फास्ट तरीके से और मल्टीप्लाई करके उसका रिजल्ट निकालना है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं 88 × 5 है, अगर आप इसको देखते ही अगर इसका रिजल्ट लिख पाते हैं कुछ इस टाइप का, जैसे कि इसका रिजल्ट हम लोग लिख लिए उसी प्रकार से, जैसे ये नंबर है, अगर इस नंबर को देखते ही अगर आप इसका रिजल्ट लिख पाते हैं कुछ इस टाइप का, जैसे कि ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, या फिर कुछ इस टाइप के 3 डिजिट का रहेगा, अगर इसका भी मल्टीप्लाई करके अगर इसका रिजल्ट निकालना है तो इसको भी ऐसे ही देखते ही अगर कोई भी नंबर रहेगा, देखते ही अगर उसका मल्टीप्लाई करके उसका रिजल्ट आप लिख पाते हैं, तो मतलब ऐसा कौन सा ट्रिक यूज करेंगे, ऐसा कौन सा मेथड यूज करेंगे जिससे कि आप कोई भी ऐसा नंबर रहेगा उसका क्या नंबर देखते ही आप उसका रिजल्ट लिख पाइएगा। तो चलिए जानेंगे आखिर ऐसे मजेदार ट्रिक के बारे में, कौन सा ट्रिक है जिसका यूज करके आप अपने मैथ्स को काफी बेटर कर सकते हैं। तो चलिए आप सभी को आप ही के इस यूट्यूब चैनल ट्रांसपेरेंट रिसर्च पर स्वागत है। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल ले हैं आप इसके थ्रू से समझेंगे, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं क्या है 88 × 4 है। अब अगर इसका मल्टीप्लाई करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका 8 के 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 × 4 जो क्या हो जाएगा 8 × 4 जो 32 होगा, 32 का 32 लिखेंगे, फिर क्या करेंगे ये जो 3 और 2 को आपस में ऐड कर देंगे, तो 3 और 2 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो 5 को बीच में लिख देंगे, उस प्रकार से इसका रिजल्ट निकल गया। उसी प्रकार से जब जैसे कि 55 को 8 से मल्टीप्लाई करना है तो 5 से 8 को भी मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 × 8 से क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा, 40 क्या 40 लिखेंगे, फिर आपस में क्या करेंगे 4 और 0 को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो ये इसका रिजल्ट निकल गया। अब उसी प्रकार से यहाँ पर जैसे 99 × 7 है, आप हमें इसका कमेंट करके बता सकते हैं कि इसका रिजल्ट क्या होगा। चलिए तो चलिए अब देखेंगे ये जो नेक्स्ट वाला है, नेक्स्ट वाला क्या है 99 है, 99 है, 999 है, उसी प्रकार से मतलब जितना भी 9 का डिजिट रहेगा उसको किसी से मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करेंगे। तो चलिए अब इसका भी एक ट्रिक है, जैसे कि ये क्या है 9 है 5 है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे इससे भी इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 9 × 5 से क्या होता है 9 × 5 जो 45 होता है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 45 लिखेंगे, फिर क्या करेंगे इधर क्या बचा है 1 × 9 बचा है, उस 9 को यहाँ पर बीच में लिख देंगे, फिर यहाँ पर क्या करेंगे 9 से 7 को इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 9 से जब 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, तो 9 × 7 जो क्या होता है 9 × 7 जो होता है 63, 9 × 7 जो क्या हो जाता है 63 होता है, फिर इधर देखेंगे कितना 2 × 9 बचा है, 2 × 9 को यहाँ पर बीच में लिख देंगे, ये हो गया इसका रिजल्ट। उसी प्रकार से यहाँ पर जब इससे इसको मल्टीप्लाई करके इसका क्या होगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो आई होप कि आपको इस ट्रिक से सीखने को काफी कुछ मिला होगा और काफी मजा आया होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज थोड़ा सा स्माइल लेके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक आप ही के इस यूट्यूब चैनल ट्रांसपेरेंट रिसर्च को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।